बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत मामले में खुलकर अपनी बात सबके सामने रखती आ रही हैं। शुरुआत से ही कंगना रनौत का मानना है कि सुशांत की मौत के पीछे कहीं ना कहीं बॉलीवुड में फैले गैंगसम का हाथ है, जिसके चलते उन्होंने अब तक कई सितारों को इस मामले में टारगेट किया है। वहीं अब बॉलीवुड की इस पंगा क्वीन ने अपने बैक टू बैक ट्वीट से रिया चक्रवर्ती को लताड़ा है। पहले तो कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ऊंचाई पर होते हुए भी बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना रनौत लिखती हैं कि सुशांत को उड़ने से कोई डर नहीं लगता था, ये बकवास स्क्रिप्ट किसने लिखी है, महेश भट्ट या जावेद अख्तर ने। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत को ऊंचाइयों से डर लगता था, जिसके रिप्लाई में कंगना ने यह ट्वीट किया था। अब इसके बाद कंगना रनौत फिर एक ट्वीट करते हुए कहती है कि रिया के सुशांत की लाइफ में आने से पहले सुशांत की कोई भी मानसिक बीमारी की हिस्ट्री नहीं है। यह मानसिक बीमारी वाला प्लॉट और यूरोप की ट्रिप के दौरान एयर सिकनेस वाला प्लॉट के लेखक कौन है। आपको बता दें कि कंगना रनौत का यह ट्वीट तब आया जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के 2 महीने बाद पहली बार इस केस के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि सुशांत को ऊंचाइयों से डर लगता था और वो क्लॉस्ट्रोफोबिया से ग्रसित थे जिसके लिए वो दवा लेते थे। जिसका जवाब देते हुए कंगना रनौत ने इन सभी ट्वीट के द्वारा रिया के दावों को गलत ठहराया है। Change up.